नरेंद्र कुमार काश धन्यवाद महोदय आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया कुछ जरूरी संशोधन सरकार लेकर आई है और हो सकता है कि उनका दूरगामी परिणाम अच्छे भी हो और इससे पहले भी यूपीए सरकार में भी दो तीन बार इस पे अमेंडमेंट आया था लोकसभा में भी चर्चा हुई वहां से भी पास हुआ तमाम चीजें आज सदन के सामने है और हम इस बात से सहमत हैं कि जो लोग निवेश के जरिए या और कारोबार के जरिए फर्जीवाड़ा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त कोई सिस्टम बने इससे सदन को सहमति है लेकिन आज महोदय देखने की बात यह है कि इन तमाम कानून और संशोधनों के बावजूद भी क्या हमारे देश में उन अपराधों में उन चीजों में कमी आई है जिनके लिए ये कानून बना या जिनके लिए ये संशोधन लाया गया मुझे बहुत सारे बड़े शहरों की घटनाएं याद हैं बहुत सारे घपले घोटालों के मसले याद हैं और आम तौर से हम उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं हम और प्रदेशों में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है मालूम नहीं होता बड़े बड़े शहरों में आती हैं और बड़ा प्रचार करती हैं लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं कुछ सस्ती चीज दिखा के आकर्षित करने का प्रयास करती हैं और जब जब उनका वो धंधा बड़े पैमाने पर फैल जाता है लोग उनके चंगुल में आ जाते हैं तो वो उनका ऑफिस कहाँ है वो कहाँ है रातों रात वो लोग अपने ऑफिस बंद कर देते हैं अपना कारोबार बंद कर देते हैं और हजारों लाखों लोग जो निवेश करते हैं इस उम्मीद के कारण कि उनका पैसा पैसे की बढ़ोतरी होगी उनके धन में बढ़ोतरी होगी वो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हमने देखा है वो गरीब लोगों पे बहुत इसका लॉस हमने देखा है कई बार गरीब आदमी गलत तरीकों से जो लोग प्रभावित करके उनके चक्कर में आ जाते हैं वो अपना मकान बेच के अपने जेवरात बेच के भी उन तमाम चीजों पर उन तमाम कंपनियों में लगा देते हैं जिनका मालूम ही नहीं होता कि वो रजिस्टर्ड हैं अनरजिस्टर्ड हैं उनका स्टेटस क्या है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश के बहुत सारे लोगों को उठाना पड़ा है मैं माननीय मंत्री जी से एक दो चीजें जरूर जानने की इच्छा रखूंगा कि आपने इसके ऑफिस को मुंबई में स्थापित करने का एक इरादा विधेयक में जाहिर किया मजिस्ट्रेट के बजाय आपने न्यायाधीश के जरिए ट्रायल करने की प्रक्रिया को इसमें बढ़ाया और फाइन करने के प्रोसीजर को भी आपने इसमें आगे बढ़ाया है लेकिन क्या क्या इस सिस्टम को इन केसेस को ट्रायल करने के लिए ये ऑफिसेज देश के सभी प्रांतों में बनाए जाएंगे क्या क्या इनका विस्तार जिला मुख्यालयों तक भी होगा केवल एक जगह पर एक स्टेट में इसके लिए ऑफिस बनाना ये कोर्ट बनाना ये सेवी की संस्था बनाने से पूरे देश के क्राइम को रोक पाना शायद ये संभव नहीं होगा तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका सीमा विस्तार हमारी सरकार कहां तक करने का इरादा रखती है इस पर भी थोड़ा सा बात हो जाए और दूसरी मेरी जिज्ञासा रहेगी कि सेवी को पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र निगरानी के तौर पर भी क्या विकसित करने का इरादा हमारी सरकार का है क्योंकि कई बार कानून बनते हैं कई बार संस्थाएं बनती हैं लेकिन प्रॉपरली जब उनकी समीक्षा नहीं होती उनकी देखभाल नहीं होती तो मनमानी की कई बार गुंजाइश रहती है
तो क्या इस एजेंसी को, क्या इस सेवी को आप स्वतंत्र रूप से एक निगरानी तंत्र के रूप में भी इस देश में स्थापित करने पर विचार करेंगे? इसके अलावा आप इस सारे सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए आपने बोर्ड का गठन किया, हालांकि बिल के अंदर हमने उस पर देखा, काफी पढ़ा उसको, उसका क्या प्रारूप है, उसका क्या सिस्टम है, कितने सदस्य होंगे, कौन क्या होगा, विस्तार से वो हमें देखने के लिए नहीं मिला। उपसभापति महोदय, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि जिस बोर्ड का गठन इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर कृपया इसको स्पष्ट करेंगे कि इस बोर्ड का प्रारूप क्या है, इस बोर्ड का सिस्टम क्या है, और क्या उस प्रारूप में उन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है जो बाकी देश के और विभागों में रखा जाता है। जैसे मसलन मैं रिजर्वेशन की बात करूं, मैं आरक्षण की बात करूं, तो बोर्ड के गठन में क्या भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप कोई आरक्षण की व्यवस्था पर भी विचार करने का कोई उसमें विषय अनुबंधित किया गया है? इस पर भी अगर कोई उत्तर मिलेगा तो शायद देश को इससे बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। आज हमारे देश में फर्जी नोटों का छपना और मार्केट में आना, हमारे देश के मार्केट के संतुलन को बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम अगर आज देश में हो रहा है तो वो फर्जी नोटों के छपने से और उनके मार्केट में आने से हो रहा है। आज हमारी चिंता है, पूरे देश की चिंता है, और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी हैं जो भारत के अलावा और पड़ोसी राज्यों से भी फर्जी करेंसी, फर्जी नोट लाकर हमारे देश के बाजार को, के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। तो मैं उपसभापति महोदय जी आपके माध्यम से ये जानने की जिज्ञासा रखूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसी एजेंसीज को जो जिनका काम भारतवर्ष में या भारत से बाहर के देशों में फर्जी नोट छापकर भारत के बाजार के संतुलन को बिगाड़ने का है, क्या उनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई करने का सिस्टम अधिनियम में लाया जाएगा? इस पर भी अगर थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा महोदय, चूंकि मैं मालूम है कि घंटी बज गई है और समय मेरा समाप्त हो गया है, फिर भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े बड़े वायदे लेकर, जो बड़े बड़े मुद्दे लेकर आती हैं, और जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं तो देश को भी समाज को भी बहुत बड़ा लॉस होता है। ऐसे बहुत सारे घोटाले हमारे देश में हुए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां के नाम मेरे पास है जिनका नाम मैं दे सकता हूं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप इस अधिनियम को लाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस अधिनियम का व्यापक प्रभाव हमारे देश में क्या होगा? फेक करेंसी और फर्जीवाड़ा करने वाले जो कारोबारी लोग हैं उनको लगाम लगाने में आपकी क्या रुचि रहेगी? इस पर भी उत्तर देंगे तो धन्यवाद। धन्यवाद।